दोस्तों, रूसो आधुनिक युग का एक महान विचारक था जिसने मानव के स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति और असमानता पर अपने विचार दिए। रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था एक आदर्श अवस्था है और इस प्राकृतिक अवस्था में एक मनुष्य प्राणी के समान था। इसमें अनैतिक, नैतिक का कोई ज्ञान नहीं था, वह निष्पक्ष था और निर्दोष था। प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम थे और उन नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसलिए लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया। रूसो हमें सबसे पहले बताते हैं मानव के स्वभाव के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में और फिर असमानता के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं मानव का स्वभाव। प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा था? रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मानव एक प्राणी है, एक जानवर के समान था, जिसे नैतिक और अनैतिक का कोई ज्ञान नहीं था और इस प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग खुश थे और हर व्यक्ति आधुनिक अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता था। परंतु आधुनिक सभ्यता से स्वयं मानव के स्वभाव के अंदर बहुत सारे दोष पैदा हुए। प्राकृतिक अवस्था में नियम थे, उन नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, जिसके कारण लोग प्राकृतिक अवस्था में परेशान हो गए थे। दूसरा था राज्य की उत्पत्ति। तो इस परेशानी से निजात पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया। राज्य को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ नियम बनाए। राज्य बनने के बाद आधुनिक सभ्यता का उदय हुआ। और तीसरा, असमानता का उदय। आधुनिक सभ्यता से असमानता पैदा हुई। रूसो का मानना था कि जब राज्य बना तो राज्य बनने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास हुआ। मनुष्य नैतिक अनैतिक में अंतर करने लगा और वह जानने लगा क्या सही है और क्या गलत है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से एक तरफ बहुत सारी अच्छाइयों को बढ़ावा मिला, दूसरी तरफ आधुनिक सभ्यता से एक तरफ तो अच्छाई को बढ़ावा मिला लेकिन आधुनिक सभ्यता की वजह से बहुत सारी बुराइयां भी पैदा हुई, जैसे ज्यादा हासिल करने के लिए इंसान धोखा, बेईमानी, इन सारी चीजों का सहारा लेने लगा और ज्यादा प्राप्त करने के लिए लोगों में अधिक पाने के लिए प्रतियोगिता भी पैदा हुई, जिससे समाज में अव्यवस्था पैदा हुई। रूसो का मानना था कि असमानता को खत्म किया जाए। इस असमानता को खत्म करने के लिए राज्य को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि असमानता को पूरी तरह से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य को यह देखना चाहिए कोई भी व्यक्ति अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास ना करे और हर कोई नैतिक साधनों का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़े। रूसो बताते हैं कि इस असमानता को खत्म करने के लिए सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए। रूसो ने हमें व्यक्तियों की इच्छाओं के बारे में बताया है। व्यक्ति की इच्छाएं दो तरह की होती हैं, यथार्थ इच्छाएं और आदर्श इच्छाएं। यथार्थ इच्छाएं वह कहलाती हैं जो व्यक्ति निजी इच्छाएं होती हैं, यानी कि खुद के बारे में व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, जैसे हर व्यक्ति गाड़ी, बंगला आदि हासिल करना चाहता है। इनको व्यक्ति की इच्छाएं कहा जाता है। दूसरी है आदर्श इच्छाएं, जो इच्छाएं व्यक्ति की राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, इन्हें आदर्श इच्छाएं कहते हैं। और जब बहुत सारे लोगों की आदर्श इच्छाओं को जोड़ दिया जाता है तो इन इच्छाओं को हम सामान्य इच्छा कहते हैं। राज्य को सामान्य इच्छाओं के हिसाब से देश का विकास करना चाहिए, क्योंकि सामान्य इच्छाएं राष्ट्र और समाज पर आधारित होती हैं। राष्ट्र और समाज के कल्याण को बढ़ावा देती हैं। अगर सामान्य इच्छाओं का पालन किया जाए तो असमानता को खत्म किया जा सकता है। रूसो का यही मानना था कि समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां पैदा हुई हैं वह सब आधुनिक सभ्यता से पैदा हुई है, इसलिए आधुनिक सभ्यता में बुराइयों को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पोस्ट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।